बार बार कह रहा हूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ तो मजबूरियां होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ तो मजबूरियां होगी। नमस्कार, हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पे सम्राट चौधरी के साथ आरके चौधरी का जब फोटो वायरल हुआ तो सभी लोग चौंक गए कि आखिर में आरजेडी का गुण गाने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ फोटो क्यों वायरल हो रहा है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और आज हायाघाट में भाजपा कार्यकर्ता के साथ यहां पे केक काटकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। खासकर यहां पे देख रहे हैं रमेश कुमार चौधरी उर्फ आरके चौधरी, रणधीर झा, तूफान सिंह, रौनक जी, विकास जी, मिंटू लाल देव हैं इत्यादि, हायाघाट के पूर्व प्रखंड प्रमुख अशोक कुमार सिंह हैं इत्यादि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और रमेश चौधरी को पाग माला और गमछा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वही हायाघाट के पूर्व प्रखंड प्रमुख अशोक कुमार जी भी पाग माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आरके चौधरी का इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिर में वो आरजेडी के गुनगाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी को हाथ क्यों थामे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से 8 तारीख को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देश के भरोसे मन न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाटू शर्मा की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से 8 अप्रैल को दिन 2 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री, देश के कद्दावर नेता, देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी और यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, अशोक यादव जी, सबों के समक्ष हम विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उस दिन से ही मेरा मानना है कि मोदी जी ने लिया है अवतार, अब की बार 405 ये नारा होगा। क्या कमी था आरजेडी में जो भाजपा में आ गए? मैं बार बार कह रहा हूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ तो मजबूरियां भी होती। अब मजबूरियों के अंदर आप जाना चाहते हैं तो जहां आपको अपने आप असहज महसूस लगे, मैं असहज महसूस कर रहा हूं और हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है। वीडियो ले लो। तो हर व्यक्ति का अधिकार है वो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करे और कुछ ऐसा करे कि अपने लिए भी और जिस समाज से हम जुड़े हैं उनके लिए भी आगे चल के कुछ कर सके, उनकी सेवा कर सके। हायाघाट की जनता इच्छा के अनुसार हमने सभी लोगों से सर्वे करवाया, बातचीत करी, पूछा, पूरा विधानसभा परिवार ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, सही प्लेटफॉर्म पर आइए, हम लोग आपके साथ हैं। जब उनका निर्णय आ गया तो मेरा भी निर्णय आया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आखिरकार लोजपा के बाद आरजेडी, आरजेडी के बाद बीजेपी, फिर तो क्या मोह भंग क्यों नहीं हो रहा आपका हायाघाट से मोह भंग क्यों नहीं? अब यह इतिहास, अगर भारतीय इतिहास की राजनीति में चलेंगे तो न जाने लोगों ने कितने पलटे मारे हैं और पलट के कहां से कहां आ गए। हम तो कोई ज्यादा पलटा मारे नहीं। हम ये करें कि हायाघाट से मोह भंग क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने भारतीय जनता पार्टी ने की थी और अपने राजनीतिक जीवन का अंत भी अब इसी पार्टी से होगा। और जीवन की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत बीजेपी से करी थी तो वो शुरुआत ही में हयाघाट विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि उसका कारण कि हम जिस समाज से आते हैं इस जिला में उस क्षत्रिय समाज की सबसे अधिक संख्या और बहादुर क्षत्रिय, कोई ऐसा वासा नहीं, बहादुर क्षत्रियों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगा कि दुनिया अपने जाति की राजनीति करता ही है तभी वो नेता कहा जाता है। आज मुकेश सहनी कहता है हम सहनी के नेता हैं, तो नेता हो गया तो हम भी अपने क्षत्रिय के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो संख्या बल देखते हुए, उन लोगों का समर्थन ऐसा प्राप्त देखते हुए हम हायाघाट से अपनी राजनीति तो 2025 को लेकर डील हो चुका है आपका। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी तरह का कोई डील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 98-94 तक नहीं लिया जाता, बल्कि चुनाव कैसे जीतेगा इसकी स्ट्रेटजी और आर्थिक मदद की जाती है। अन्य जितने क्षेत्रीय पार्टी है बिना पैसा लिए, मैं उम्मीदवार रहा हूं, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता लोगों के सामने, बिना लिए न टिकट देती है न चुनाव में एक पैसे का मदद करती है, तो उसके उम्मीदवारों का तो मनोबल वैसे ही डिमोरलाइज हो जाता है, वो चुनाव क्या लड़ेगा। आज आते ही आपने स्थापना दिवस मनाया है, यहाँ पर क्या कहेंगे?
यह मेरा सौभाग्य है कि कल मैं पार्टी में आशीर्वाद प्राप्त किया प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से, और आज स्थापना दिवस है। हम अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझते हैं। चलिए, थैंक यू। परम आदरणीय बड़े भैया आर के चौधरी जी के अध्यक्षता में और हाया घाट में आगामी जो संगठन का जो काम होगा, मजबूती से भाजपा को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। आर के चौधरी भैया हाया घाट की धरती से एक एक परिवार से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और हाया घाट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको ये परिवार के समान नहीं मानते हो, परिवार के समान मानते हैं, इसलिए हाया घाट से इनका लगाव रहा है, इनका जुड़ाव रहा है। डॉक्टर राजेश रंजन यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार। हाया घाट में भाजपा, देखिए इनके आने से हाया घाट भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता बिखरे हुए थे, इनके आने से अब सारे के सारे बिखरे कार्यकर्ता एकत्रित हो जाएंगे, और एकत्रित होने के बाद मोदी जी का जो सपना है 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, जिसका आगाज हाया घाट से ही शुरू होगा। जी, कि खुशी हो रहा है कि मतलब सामने? बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और इतनी खुशी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर देख ही रहे हैं जितने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, बिखरे हुए कार्यकर्ता सब सिमट के एक जगह आए हैं, और हम लोग आज स्थापना दिवस मनाए हैं, इनके नेतृत्व में मनाए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर झा बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ महसूस कर रहा हूँ, और इनके आने से हम लोग में नई ऊर्जा का संचारण भी हुआ। आज भाजपा का स्थापना दिवस मनाए हैं, क्या कहेंगे? भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आर के चौधरी जी यहाँ पर पद स्थापना किए हैं, और अशोक चौधरी जी द्वारा इनको अभी फूल माला से सम्मानित किया गया है, और ये 8 अप्रैल को ये शायद सदस्यता ग्रहण करेंगे। और आज जो यहाँ हाया घाट में कुंदन जी के मकान पर यहाँ केक का वितरण हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तूफान सिंह, किसान मोर्चा भाजपा उपाध्यक्ष। आज आप लोग बीजेपी का स्थापना दिवस मनाए हैं और मुरेठा बांध कर जो है मना रहे हैं, क्या मुरेठा बांधने का मकसद क्या है? मुरेठा बांधने का एक ही मकसद है कि हमारे लोकप्रिय नेता माननीय रमेश चौधरी जी उर्फ आर के चौधरी जी को विधानसभा से जीता कर पूर्ण बहुमत से विधानसभा में बैठाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम उनको हाया घाट से पूर्ण बहुमत से नहीं जीता के भेजेंगे विधानसभा, जब तक ये मुरेठा नहीं खुलेगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह, हाया घाट मकसूदपुर युवा नेता।